नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से न्यू वीडियो में। और आज के व्लॉग में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बहुत ही धार्मिक स्थल पर, जिसका आप गेट देख सकते हैं, शिव द्वार। ये उस मंदिर का गेट है जिस मंदिर पर आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में पंजाब नगर गाँव, जिस गाँव में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है जिसको नागेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर जो भगवान शिव का है, यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुए थे लगभग आज से 35 साल पहले। यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिस पर अब एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। तो आज हम आपको उसके दर्शन कराने के लिए लेकर चल रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, शिवरात्रि के समय में यहाँ भारी मात्रा में भीड़ आती है और यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। ये देखिए, इस पातालेश्वर मंदिर का प्रारंभिक गेट है और काम चल रहा है, और टूट फूट है, मरम्मत का काम चल रहा है। ये सामने है मंदिर और सामने माता की प्रतिमा है। यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं। ये देखिए, आज भीड़ नहीं है इसलिए लाइनों में लोग नहीं है, जबकि यहाँ पर ये बड़े बड़े घंटे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इधर तक ये देखिए, यहाँ पर फिर हमारे बहुत सारे बड़े बड़े घंटे लगाए गए हैं, और सामने नागेश्वर जी की प्रतिमा है, और इधर ये गुरुदेव हैं उनके। देखिए, यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो माता शिव और पार्वती की एक प्रतिमा लगी है। यहाँ पर ये बिल्ली हैं, बैठी हैं। अब हम आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में, यहीं पर भगवान शिव विराजमान हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ अब ये भगवान शिव की वो शिवलिंग है, आप देख सकते हैं भगवान शिव का ये शिवलिंग। देखिए, दोस्तों ये शिवलिंग है यहाँ, और ये यहाँ प्रकट हुए शिवलिंग है, इनको पातालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस साइड में ये अन्य माता की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये राम दरबार है, और यहाँ पर राधा और कृष्ण, यहाँ पर भगवान की आरती है। देखिए, यहाँ पर विष्णु भगवान है, पंडित जी यहाँ पर पूजा अर्चना आप ही करते हैं? आप ही तो गुरु जी, इस मंदिर के थोड़ा सा इतिहास के बारे में हमें बताएंगे। राज जी ने बताया है कि जबकि मनोकामना पूर्ण होती है, और ये नागेश्वर महादेव लगभग 32-33 साल जी जी 33 साल पहले यहाँ ये प्रकट हुए थे, और शिवरात्रि पे यहाँ मेला वगैरह लगता है। सावन महीने में जी कांवड़िया लोग आते हैं, पूरे सावन महीना मेला लगेगा। आओ देखिए, पंडित जी कलावा मानते हुए मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मंगलासन
कहाँ से आए हैं आप? स्वार से आए हैं। स्वार स्वार किसी विभाग में? नहीं, वैसे स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं। प्राइवेट वही शिक्षा मित्र में। अच्छा, मतलब वेतन से पशु धन काम से सहित